हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजेश शर्मा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें नीट के फॉर्म फिल करते समय चाहिए होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। चलो देखते हैं। लास्ट डेट जो है नीट का फॉर्म भरने के लिए वो है 6 अगस्त। ठीक है, याद रखिएगा 6 अगस्त, इससे पहले पहले आपको नीट का फॉर्म भर देना है। आप जब नीट का फॉर्म भरोगे उस समय आपसे कुछ एरर हो जाए, ठीक है, जैसे कि नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, माता पिता के स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती हो जाए आपसे, तो इसके लिए करेक्शन के लिए या डेट है यहाँ पर 8 अगस्त से 12 अगस्त। ठीक है, फिर अनाउंसमेंट ऑफ सिटी, जो आप सिटी के कुछ ऑप्शंस रखते हैं 3-4, उसमें से आपको कौन सी सिटी मिली है, कौन सा सेंटर मिला है नीट एग्जाम के लिए, उसका आपको मालूम चलेगा 20 अगस्त को वेबसाइट पर जाकर आपको चेक करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये पता है आपको ड्यूरेशन जो है एग्जामिनेशन का वो 3 आवर्स होता है और 2 PM से 5 PM तक होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है आपका वो 3 दिन पहले ही रिलीज होगा एग्जाम डेट से, मीन्स 12 सितंबर से 3 दिन पहले होगा। ठीक है, बार बार परेशान ना है कि कब एडमिट कार्ड आएगा, कब आएगा, 3 या 4 दिन पहले आ जाएगा। ठीक है, फीस का देख लीजिएगा, तो फीस जो है जनरल वालों की वो 1500 रुपये, EWS OBC वाले की 1400 रुपये, SC ST वाले जो उनका 800 रुपये लगेगा। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो देखिएगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो छोटे फोटो होते हैं पासपोर्ट साइज, वो आपको खिंचवाना है कितने, 30 से 40 कर लेना, क्योंकि ये अभी तो यहाँ कम ही लगेंगे, एक तो ये स्कैन होगा, लेकिन जब काउंसलिंग होगी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो 30 से 40 आप कर लें। जब आप फोटो खिंचवाने जाएं तो बैकग्राउंड का ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड कलरफुल नहीं होना चाहिए, बस और बस बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, और जो फोटो है उसमें डेट आपको रखना है, डेट जो है लिखवाना है, और जो फोटो है वो लेटेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1-2 साल पुराना होना चाहिए, 6 महीने पुराना, नहीं, आपको बिल्कुल लेटेस्ट फोटो रखना है और वही स्कैन करवाना है, और उसी वही फोटोज आपको काम आएंगे काउंसलिंग में। ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान रखें, जो फोटो यहाँ लगाओगे वही फोटो एडमिट कार्ड में भी लगेगा और काउंसलिंग टाइम पे भी वही काम आएंगे, इसलिए आप 30 से 40 फोटो खिंचवा लें। ठीक है, दूसरा पोस्टकार्ड फोटो भी आप खिंचवा लें 2 से 3। ठीक है, उसके बाद में कुछ जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, या तो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, कुछ भी हो। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, जो सबके पास होती है, 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। ठीक है, EWS OBC SC ST जो है इनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, ये स्कैन होंगे। गैप सर्टिफिकेट, इसके बारे में बहुत सारे को पता नहीं होता है, गैप सर्टिफिकेट आप अभी बनवा लें। ठीक है, काउंसलिंग टाइम पे लगता है, गैप सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो ड्रॉपर्स हैं। ठीक है, 12th करने के बाद भी वो तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल तक, तो उनके लिए गैप सर्टिफिकेट बनता है, ये आप बनवा लें। ठीक है, 1 दिन में बन जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर, देखो सिग्नेचर रनिंग में होना चाहिए, ऐसा नहीं कैपिटल में लिख दिया, बिल्कुल रनिंग में होना चाहिए। ठीक है, हाँ, उसके बाद में देखना आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ठीक है, लेफ्ट थंब, कोई राइट मत लगा देना। ठीक है, क्या रखना आपको, लेफ्ट थंब इंप्रेशन का ध्यान रखें, अच्छे से रखें, इनको पहले से ही रेडी रखें आप सब डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप 6 अगस्त को ही फॉर्म भरने जाएं, मैं कह रहा हूँ आपको अभी बहुत मतलब जल्दी कर लें आप, लेट एंड टाइम का आप इंतजार ना करें। ठीक है, थैंक यू।